सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महेश भट्ट का नाम लगातार विवादों में रहा और अब उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। दरअसल अभिनेत्री लवीना लोध ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को बॉलीवुड का डॉन बता दिया। लवीना महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल की पत्नी हैं। लवीना का आरोप है कि भट्ट और उनका परिवार मिलकर उन्हें परेशान कर रहा है। लवीना के इस वीडियो के वायरल होने के बाद महेश भट्ट की ओर से उनके वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके मुताबिक महेश भट्ट पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद है, ऐसे में वे कानूनी सलाह के आधार पर आगे का एक्शन लेने वाले हैं। दरअसल अभिनेत्री लवीना के मुताबिक उनकी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल से हुई थी। लवीना के मुताबिक सुमित ड्रग्स और लड़कियों का सप्लाई किया करता था। लवीना ने अमायरा दस्तूर और सपना पब्बी जैसी अभिनेत्रियों का नाम लिया है। लवीना ने आगे कहा कि जब इस बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने सुमित को छोड़ने का फैसला लिया। दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। अभी तक लवीना के आरोप सिर्फ सुमित की तरफ थे, लेकिन बाद में लवीना ने वीडियो में कहा कि इस सब की जानकारी महेश भट्ट को भी थी। उन्होंने महेश भट्ट को बॉलीवुड का डॉन बताते हुए कहा कि अगर महेश भट्ट के हिसाब से कुछ नहीं होता तो वे उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने एक्टर्स निर्देशकों को उन्होंने काम से निकाल दिया है, कई जिंदगियां बर्बाद की है। लवीना ने वीडियो के आखिर में कहा कि मेरे साथ या मेरे परिवार संग कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिर सहगल और कुमकुम सहगल होंगे। सभी को पता चलना चाहिए कि बंद दरवाजों के पीछे ये लोग कैसे किसी की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। वीडियो में लवीना ने आगे ये भी कहा कि जब से उन्होंने केस फाइल किया है महेश भट्ट उनके पीछे पड़ गए हैं। उनके मुताबिक महेश भट्ट उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, वही पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा। गीता आमरे, नवभारत मीडिया।